मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई एम सो हैप्पी विद दैट यू गाइस। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था ना इसे शूट करने में, बिकॉज बहुत टाइम हो गया कि मैं कैमरे से ऐसे बैठ के बात नहीं करी है। आई थिंक अराउंड 1 month तो हो गया है। जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी वो मैंने थोड़े टाइम पहले ही शूट करी थी एंड एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। बट आज मुझे स्टार्टिंग में इतना वियर्ड लग रहा था, बट अब ठीक है, कुछ 2-3 रीटेक्स हो गए हैं तो अब आई एम ओके। सो टुडे वी आर बैक विद वेरी वेरी एक्साइटिंग वीडियो। मैं आज आप लोगों को बहुत ह्यूज सा हॉल दिखाने वाली हूँ। लेटली मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट, बट मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट ऑल विद यू, बिकॉज मैंने इतने सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स ट्राई करे एंड सेल्स चल रही थी, मैंने इतना सारा सामान लिया है। एंड विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द मेन विद यू। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, मैं रैंडमली स्टार्ट कर रही हूँ, मैं किसी ऑर्डर में या किसी ब्रांड के उसमें नहीं स्टार्ट करी, बट मैं क्लोथिंग के 2 ही पीस है एंड तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिफोर हैंड अपना सारा कंटेंट प्लान करके रखूँ। तो मैंने एक ये बहुत क्यूट सा प्लानर लिया है मिनीसू से, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर एक मैग्नेट है एंड दिस हाउ इट ओपन एंड ये कितने क्यूट लग रहे हैं, ये इतने प्यारे से 2 हैं एंड इस पर लिखा आई लव यू सो मच एंड प्लेन नोटबुक जैसा ही है, बट ये इतनी क्यूट लगी थी मुझे देख के, आई कुड नॉट रिजिस्ट बाइंग दिस। दिस वॉज फॉर ₹400, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है बट क्यूट है। सो आई गॉट दिस एंड फिर मैंने मिनीसू से, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैंने ये एक डीप मॉइस्चराइजिंग हैंड मास्क लिया रोज वेरियंट का एंड दिस वॉज फॉर ₹120 ओनली। तो मैं ये ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसा है। देन मैंने मिनीसू के परफ्यूम्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ये मिनीसू का कलरफुल वर्ल्ड का ब्लशिंग वुड लिया है। दिस इज फॉर रुपीज, ये ₹500 का था एंड इसकी फ्रेग्रेंस, ओ माई गॉड, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। अगर आप एंड इसकी पैकेजिंग देखो यार, कितनी प्रीमियम पैकेजिंग है, मतलब ऐसा लगता है कि यार कितना महंगा सा परफ्यूम है जबकि सिर्फ ₹500 का। एंड सी इसकी कैप कितनी क्यूट, ऐसे बॉल जैसी लग रही है एंड इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसकी जैसी फ्रेग्रेंसेस मुझे पसंद है ना, बहुत ज़्यादा फ्लोरल नहीं और बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं, तो ये उन दोनों का ब्लेंड है, इट्स बोथ फ्लोरल एंड स्वीट, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप लोगों को भी परफ्यूम्स का शौक है तो प्लीज़ 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 ये वाला ट्राई करना एंड यू विल लव इट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड इट इज़ अ वेरी क्यूट पीस फ्रॉम मिनीसो विच इज दिस कॉम। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब यार मुझे ऐसे कॉम्ब्स इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं जिनमें ये सब चीज़ें होती हैं एंड दिस इज सो प्रिटी एंड सो पिंटरेस्टी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। दिस वॉज फॉर ₹350 ओनली, मतलब नॉट ओनली, दो इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बट आई लव दिस वन। मेरा पहले वाला कॉम्ब भी मिनीसू से ही है और वो ख़राब हो गया था, मतलब उसकी जो ये वाला पार्ट होता है ना, बॉल्स वाला पार्ट, ये हटने लग गया था, तो मैंने फिर ये न्यू खरीद लिया एंड इसमें यहाँ एक छोटा सा कैक्टस भी लगा हुआ है विच इज़ सो क्यूट एंड ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। एंड दिस इज डिज्नी प्रिंसेस वर्जन, बिकॉज डिज्नी प्रिंसेस की पूरी रेंज लॉन्च हुई थी कॉम्ब्स एंड ऑल में, तो इसमें येलो भी था, पिंक भी था, बट when there is a choice always go for pink and I went for this one, to ye bhi mujhe kafi acha laga। moving on to the next item, ye to this is my third purchase I guess and ye itni kaam ki cheez hai which is this, matlab ye 1000 pieces ke cotton pads aate hain and inka size itna kuch hota hai, these are for ₹200 and itne lambe time chalte hain, matlab maine literally inko nail paint remove karne ke liye use karti hu and aapko sirf ek time pe hardly 2 pads chahiye hote to 1000 itne lambe chal jate hain एंड ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आप डेली भी यूज़ करोगे तो भी आपका एक साल तो निकल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। आप फेस के लिए मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड वैसे भी यूज़ कर सकते हो, दीज आर रियली नाइस, यू कैन बाय दीज। मैं सारे प्रोडक्ट्स ना लिंक्स डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी जिन जिन का भी मुझे ऑनलाइन मिलेगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ दिस वेरी क्यूट कटर। तो मेरे पास इतने सारे पार्सल्स आते हैं जो मुझे खोलने होते हैं जल्दी जल्दी एंड सीजर्स से ना बहुत टैकी सा हो जाता है खोलना, तो मैंने ये खरीदा यार, ये कितना क्यूट है, जस्ट लुक एट द, मैंने उल्टी साइड से खोल ली, मुझे लगा ये यहाँ से खुलेगा, बच गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, यहाँ पर छोटी सी बोबा
टी वाली वो है एंड इट इज सो शार्प एंड दिस वॉज फॉर जस्ट ₹90, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। एक और बड़ी क्यूट सी चीज ली थी मैंने मिनीसू से, विच इज दिस नेल कटर। एक्चुअली इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, बट यार मिनीसू जाओ ना तो कुछ भी, लिटरली कुछ भी पसंद आ जाता है। तो मैंने ये नेल कटर लिया, इसमें एक यहाँ पर कैट्स और डॉग्स पॉ है एंड यहाँ एक डायनासोर है एंड दिस इज सो क्यूट। दिस वॉज फॉर ₹120 आई गेस, 110, सो दिस वॉज क्वाइट अफोर्डेबल दो, तो मुझे ये अच्छा लगा काफी। ओके, तो ये इस बैग में इतना ही सामान था एंड एक लास्ट चीज बची है। आपने हर जगह, लिटरली हर जगह देखा होगा कि आजकल मरून कलर इतना ज्यादा चल रहा है यार। मैंने खुद एक्सटेंशन कराए थे एंड मैंने भी मरून कराए थे, तो फिर मैंने सोचा कि जब ये एक्सटेंशन हट जाएंगे ना, आई वुड स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दैट कलर। तो मैंने ये कलर बार का मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया था, एक न्यूमी करके स्टोर होता है मॉल्स में, तो मैंने वहां से लिया था। दिस इज इन द शेड सैबोटाज ऑफ कलर बार एंड दिस वॉज फॉर ₹210 और सो, मुझे याद नहीं इसका प्राइस कितना था, बट ये कलर एग्जैक्टली वैसा ही है जो आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो ये भी मुझे लेना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने ना स्टूडियो वेस्ट साइड से शॉपिंग करी है, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। मैंने कुछ चीज़ें ली थी, तो मैंने सबसे पहले लिया था ये परफ्यूम स्टूडियो वेस्ट साइड का गॉडेस एंड ओ माय गॉड, इसकी फ्रेग्रेंस मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड, बट इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है एंड लुक एट दी पैकेजिंग, इतनी प्रीमियम पैकेजिंग है यार इसके, एंड पीछे कुछ टेक्सचर सा दिया हुआ है। इसकी फ्रेग्रेंस लिटरली बहुत अच्छी है एंड कल इसको फर्स्ट टाइम ऑफिस लगा के गई थी एंड ट्रस्ट मी, ये पूरे दिन स्टे किया है, मतलब लिटरली जब मैं वापस भी आई ना तो भी मुझे अपने कपड़ों से इसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी। इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव वॉक्ड इनटू अ कैंडी स्टोर, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, कैन नॉट डिस्क्राइब। दिस वॉज ऑल्सो फॉर ₹500 ओनली, नहीं सॉरी ये ₹595 का था, बट आई थिंक जब मैंने खरीदा था तब सेल चल रही थी तो मुझे 500 कुछ का मिला था, आई एम नॉट वेरी श्योर दो, लेकिन शायद इतने का ही मिला था। ओके, तो फिर मैंने एक और परफ्यूम लिया था एंड अब मेरा कटर बहुत काम आने वाला है बिकॉज ये मैंने अभी तक खोला नहीं है एंड ये एक्चुअली मैंने ना किसी की इंस्टाग्राम की रील पे रिकमेंडेशन से लिया था, मतलब किसी ने रिकमेंड किया था रील्स में एंड आई थॉट कि वो इतना हाइप कर रहे हैं इसको तो मैं ट्राई करती हूँ। तो आई बॉट दिस एंड लेट्स सी द पैकेजिंग। दिस वॉज फॉर ₹195 ओनली, तो ये तो काफ़ी अफोर्डेबल है यार, बट फ्रेग्रेंस पर डिपेंड करता है, बहुत छोटा है बट बहुत क्यूट है, तो इसकी फ्रेग्रेंस देखते हैं कैसी है। ओह काफ़ी अच्छी है, बट ये ना अगर आपको ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद तो आपको ये शायद नहीं पसंद आएगी, बट आई लाइक स्ट्रांग फ्रेग्रेंसेस भी, मतलब कभी कभी ऑन एंड ऑफ, मुझे कभी बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद आती है, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पसंद आती है, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी। दिस इज स्टूडियो वेस्ट साइड का परफ्यूम इन द वेरियंट बाली एंड आप और भी ट्राई कर सकते हो स्टोर पर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट साइड, विच इज दीज टू लिपस्टिक्स एंड दीज आर सुपर अफोर्डेबल। ये सिर्फ थी फॉर ₹110 और सो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ सिर्फ ₹95 की थी ये एक लिपस्टिक एंड उस टाइम सेल चल रही थी तो शायद मुझे 80 कुछ की पड़ी थी एंड इनके शेड्स इतने सुंदर है, लुक एट द शेड, दीज आर क्रीमी मैट, लुक एट द शेड, ये कितना पिगमेंटेड शेड है एंड दिस इज सो प्रिटी। दिस इज इन द शेड M03, इसमें कुछ ऐसे शेड का नाम नहीं लिखा है बट शेड का नंबर लिखा है M03 एंड दिस इज अ मरूनिश शेड जो मैं अपनी मम्मा के लिए लाई थी। दिस इज इन द शेड M06, तो मैं ट्राई करूंगी कि मुझे ये भी ऑनलाइन मिल जाए एंड आई विल टैग इट फॉर यू गाइस बिकॉज 95 में इट इज अ स्टील। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट साइड, दो ही और चीज़ें बची हैं, ज़्यादा चीज़ें मैंने स्टूडियो वेस्ट साइड से नहीं ली बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था शॉपिंग करने का स्टूडियो से। तो नेक्स्ट मैंने ये ग्लिटर वाली नेल पेंट ली एंड यार इसके ग्लिटर पार्टिकल्स इतने सारे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे एंड लुक एट दिस। मेरी मम्मा को ना ग्लिटर नेल पेंट्स बहुत पसंद है तो ये मैंने अपने लिए नहीं लिया बिकॉज दिस इज नॉट इवन माई कलर, मेरे को इतने ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं पसंद है तो ये मैंने अपनी मम्मा के लिए ली है। दिस वॉज फॉर ₹4, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी मुझे तभी भी लगी थी ₹195, तो आपको इसके बहुत सस्ते ऑप्शन मिल जाएंगे नायका पे, आई टैग देम टू। एंड नेक्स्ट इज द स्टूडियो वेस्ट साइड का लिप कलर इन द शेड डार्क एक्सप्रेसो एंड दिस वॉज फॉर
149, तो ये ठीक है, बट ये बहुत छोटा है, मतलब आप अगर देखोगे ना तो ये काफ़ी छोटा है, बट इसका एग्जैक्ट ड्यूप मुझे पता है कौन सा है, विच इज़ नायका का इन दी शेड चाय, वो भी मैं टैग कर दूंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज वो इसका एग्जैक्ट ड्यूप है और वो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है. लुक एट दिस शेड, इट इज़ सो प्रिटी ब्राउन, आई एम इन लव विद इट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड भी. ओके, तो स्टूडियो वेबसाइट से तो मैंने इतनी चीज़ें ली थी, देन मैंने ना इस बार मिस्टर DIY से भी दो चीज़ें ली, तो मैं आपको दिखाती हूँ. दोनों चीज़ें काफ़ी क्यूट है. सबसे पहले तो मैंने ली थी ये सिजर्स, एंड दिस इज सो क्यूट एंड सो पिंटरेस्टी, मतलब इसमें एक ऐसे कैप आती है, एंड दिस इज हाउ द सिजर लुक्स, एंड इट इज़ वेरी शार्प, मतलब मैं आपको रुको दिखाती हूँ, लिटरली इतनी शार्प है यार ये सिजर, सिर्फ एक आई थिंक ये अंडर 100 थी, 80 और 90 की ही थी, मतलब बहुत अफोर्डेबल थी ये. तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप लोगों को कुछ भी उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए चाहिए, तो यू कैन गो टू मिस्टर DIY, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, स्पेशली स्टेशनरी स्टफ़ के. ओके, फिर मैंने एक और कटर लिया था, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगा था, दिस इज ऑल्सो सो क्यूट, आपको दिखाती हूँ. दिस वॉज फॉर ₹64, एंड आई थिंक ये 54 या कुछ का बड़ा था. हमेशा मिस्टर DIY में जो प्राइस लिखा होता है उससे कम की चीज़ें पड़ती हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. यहाँ पर देखो यार ये कितना क्यूट है, एंड वाइट एंड बेबी पिंक इज सच अ वाइब, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने Zudio से क्या क्या लिया था. इस बार मैंने Zudio से भी काफ़ी चीज़ें ली हैं, 5-6 चीज़ें ली हैं, तो मैं दिखाती हूँ. तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया था, दिस वॉज फॉर ₹99, ये है उनका लिप ग्लॉस, बट जब मैंने ये घर आके देखा ना तो मुझे ये शेड अपने ऊपर तो ना अच्छा नहीं लगा, मैं दिखाती हूँ, मतलब दिस इज़ वे टू लाइट फॉर मी, एंड ना मेरी स्किन को काफ़ी वॉश ऑफ कर देता है, तो आई डोंट थिंक मैं इसको ऐसे ही लगा पाऊँगी, मिक्स करके तो मैं लगा सकती हूँ किसी चीज़ के साथ, बिकॉज अब ऑब्वियसली मैंने ले लिया है तो लगाना ही पड़ेगा किसी चीज़ के साथ, बट आई डोंट लाइक दिस कलर. तो इसका कलर कौन सा है, इस पर कोई कलर वगैरह नहीं लिखा हुआ, बट दिस आपको शायद पता चल जाएगा जब आप जाओगे स्टोर में, तो काफ़ी सारे, एंड Zudio अवेलेबल भी नहीं है ऑनलाइन, तो आपको स्टोर पे ही जाके शॉपिंग करनी पड़ती है. ओके, देन दिस सेकेंड वॉज दिस Zudio प्लम्प लिप ग्लॉस, एंड ये शेड मुझे काफ़ी सही लगा था, दिस वॉज फॉर ₹149, एंड मैं इसका शेड दिखाती हूँ आपको, ये तो काफ़ी प्रिटी शेड था, मतलब ये तो मेरे टाइप का शेड है जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे को ना बहुत ज़्यादा लाइट शेड्स नहीं अच्छे लगते बिकॉज दे वॉश मी ऑफ, तो मुझे ऐसे शेड्स अच्छे लगते हैं जो इस टाइप के होते हैं, थोड़े पिंक से न्यूड से. देन मैंने एक ये सेट लिया था, दिस वॉज फॉर ₹199, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक लिप स्क्रब, एक लिप बाम एंड एक लिपस्टिक, तो मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये तीन चीज़ें हैं, दिस इज द लिप बाम, दिस इज द लिप स्क्रब एंड दिस इज द लिपस्टिक, तो मैं लिपस्टिक का शेड आपको दिखाती हूँ. इतनी क्यूट सी ट्रैवल फ्रेंडली सी लिपस्टिक दी है, एंड इन्होंने शेड बहुत ज़्यादा प्रिटी शेड दिया है, मतलब लुक एट द शेड, इट इज सो परफेक्ट फॉर ऑफिस, एंड आई लव द शेड, बट इस पे लिखा हुआ है ये थी शेड प्लम वेलिंगला में, तो आप ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी अफोर्डेबल है और तीन चीज़ें मिल रही हैं, और तो क्या ही चाहिए. ओके, फिर मैंने Zudio से दो चीज़ें और ली थी, एक तो है Zudio लिप कलर वाइप्स एंड एक है Zudio आई मेकअप वाइप्स, तो ये दोनों थी फॉर ₹29 ईच, एंड ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगी, 10 वाइप्स हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक दिल वर्क फाइन, नॉर्मल वाइप्स की तरह ही काम करेंगे, अगर मतलब वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं भी हटाते तो एज वाइप्स तो यूज़ कर ही सकते हैं, एंड बहुत ट्रैवल फ्रेंडली, ये छोटू से पैकेट्स हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैंने फर्स्ट टाइम इस बार ना गश से शॉपिंग किया, आई डोंट नो अगर आप लोगों को सबने ये ब्रांड सुना होगा कि नहीं, बट दिस इज द ब्रांड गश. तो इस बार काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, जिसमें 1299 में 4 आइटम्स मिल रहे थे, तो मैंने 4 चीज़ें ली हैं 1299 में, जिनका इंडिविजुअल प्राइस ही 1050 है, या फिर एक का प्राइस है 1750, एंड मैंने बहुत स्मार्टली प्ले किया था इसमें, मैंने क्या किया, जितने भी इसमें क्या था, कोई भी 4 आइटम्स लो एंड दिल बी फॉर ₹129, तो मैंने क्या किया, जो सबसे एक्सपेंसिव आइटम्स थे मैंने सारे वो ऐड कर लिए. तो इसमें अगर आप देख रहे होगे तो आजकल ना इस टाइप की लिपस्टिक्स बहुत वायरल हो रही है, मिलाग्रो की, जिसमें 4 शेड्स होते हैं, तो इसमें भी 4 शेड्स हैं, ये वाले आर मैट लिपस्टिक्स हैं, एंड दिस इज हाउ दे ओपन, एंड मैं एक शेड लगा के दिखाती हूँ आपको, बहुत पिगमेंटेड शेड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, और यार कितना सही है, मतलब आप सिर्फ एक ये लेके चले जाओ एंड यू हैव ऑल दी कलर्स इन इट, मतलब मैक्सिमम आपको 4 कलर चाहिए हो सकते हैं, एक तो डार्क रेड, न्यूड और सारे कलर्स हैं इसमें, तो मैं इसका शेड मेंशन कर दूंगी,
एंड इसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी गश पे सेल आए तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको भी ऐसी चीजें पसंद है, मतलब कम चीजें लेके जाना ट्रिप्स पे पसंद है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. देन मैंने एक लिया था, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, बट मुझे तो ये इतना कूल लगता था जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी की रील्स में देखा था. ये तीन मस्कारास का सेट है एंड दे आर मैग्नेटिक, मतलब दे स्टिक टुगेदर. इनमें ये मैग्नेटिक केस है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है. तो मैं इसके साथ तो इतनी देर खेली थी पहले. सो इसमें तीन है, वन इज फॉर लेंथनिंग, वन इज ब्राउ सेटर एंड वन इज फॉर वॉल्यूमाइजिंग योर लैशेस. तो इसमें तीन है एंड दिस वॉज फॉर ₹1750 ऐसे करके कुछ था. तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी. देन इसमें मैंने एक और ये लिया था, ये भी अगर आप लोगों ने देखा होगा ये भी काफ़ी ट्रेंड में आया था बीच में. दिस इज द स्क्विशी ब्लश एंड द पैकेजिंग इज टू डाई फॉर, इतना क्यूट है. एंड दिस वॉज इन द शेड, मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए सारे शेड्स मेंशन कर दूंगी अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख के. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एंड लुक हाउ स्क्विशी, मतलब शायद आपको दिख रहा होगा. एंड दी शेड इज रियली गुड, मतलब इसको मैंने सिर्फ एक दिन ना एक रील में हल्का सा लगाया था. अब देखो इतने में ही ये कितना ज्यादा हो जाएगा, दिखाती हूँ. मतलब आपको सिर्फ वन ड्रॉप लगाने की जरूरत है एंड ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड है कि आपको एक डॉट से ज्यादा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है लिटरली. एक ये लास्ट चीज थी, ये लिपस्टिक है उनकी प्ले पेंट गश की एंड दिस इज इन दी शेड, फाइनली फर्स्ट टाइम शेड लिखा हुआ है. ब्रश स्ट्रोक मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये है वो शेड, दिस इज सो प्रिटी एंड दिस इज द परफेक्ट ब्राउन, मतलब ये काफी डार्क ब्राउन है. अगर आपको डार्क ब्राउन पसंद है तो यू कैन गो फॉर दिस शेड. मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था एंड इसका फॉर्मूला, इसकी पिगमेंटेशन बहुत कंफर्टेबल है, तो आई लाइक दिस वन. तो गश से मैंने ये चार चीज़ें ली थी इन जस्ट ₹1499, तो ये काफ़ी अच्छी डील लगी थी मुझे. तो द नेक्स्ट आइटम विच इज, तो ये लिपस्टिक जो मैंने अप्लाई की है ये मैंने मिंत्रा से खरीदी थी एंड इसका शेड है प्लम परफेक्शन एंड ये शेड इतना प्यारा है. मतलब अगर आप कभी व्हाइट पहनो ब्लैक पहनो तो इट लुक सो प्रिटी एंड दिस इज द शेड. मैं एक बार आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. यार कितना सुंदर शेड है ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ शेड आई विल रिपीट एंड रिपीट बाइंग. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड. तो ये मैंने मिंत्रा से लिया था, ये भी मैं डाल दूंगी. एंड जूडियो से, सॉरी मैंने एक और चीज ली थी, सॉरी दो और चीजें ली थी. तो जूडियो से मैंने ये उनका बहुत फेमस जो हो रहा है ये स्पार्कल वाला, आई थिंक आप लोगों को स्पार्कल ग्लिटर्स दिख रहे होंगे इसमें, ये सारे स्पार्कल्स हैं, ये वाला परफ्यूम लिया था. एंड जेन्युइनली बताऊं इट्स नॉट वर्थ द हाइप, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है. मतलब इतनी नॉर्मल सी बेसिक सी फ्रेग्रेंस है एंड ये बहुत सस्ता भी नहीं था. दिस वाज फॉर ₹199, सिर्फ इसमें स्पार्कल के ही पैसे हैं मुझे ऐसा लगता है. फ्रेग्रेंस कोई खास नहीं है, मतलब बहुत कम देर तक रहती है, अच्छी है. फ्रेग्रेंस इज नाइस बट द स्टे इज ओनली फॉर अबाउट एन आवर और सो, तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई ये. एंड नेक्स्ट मैंने एक लिया था ये चार नेल पेंट्स का सेट. तो इसमें चार नेल पेंट्स आती है, न्यूड है, ये है, मतलब बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है वहाँ पर. ब्लूज के भी हैं, मतलब ब्लू में आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे. फिर ये है, तो दिस वॉज फॉर ₹199. तो ये भी मुझे अच्छा लगता है कि ₹50 की सिर्फ एक पड़ती है. ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, बहुत थोड़ी सी बची हैं. तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने मिंत्रा से क्या क्या लिया इस बार. मैंने मिंत्रा से, मैं जेन्युइनली बताती हूँ, दिस इज माई बेस्ट परचेज फ्रॉम मिंत्रा. मैंने 899 में 9 लिप ग्लॉसेस का सेट लिया विच इज़ फ्रॉम लव अर्थ एंड दीज आर सुपर 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 नाइस. मतलब मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे भी रील डाली थी एंड विशलिंक, इफ़ यू गाइज नो क्या होता है विशलिंक, तो मैंने विशलिंक का लिंक डाला था एंड इतने सारे लोगों ने इसको परचेज किया है उस लिंक से, क्योंकि इतनी अच्छी डील है कि यार आपको 9 लिप ग्लॉसेज मिल रहे हैं इन जस्ट ₹899. एंड अगर आपके पास कुछ सुपर कॉइन्स वगैरह हैं तो आपको और सस्ते मिल जाएंगे. मैं आपको एक शेड दिखाती हूँ इसमें से, मेरा फेवरेट है जो, दिस इज माई फेवरेट शेड इन दी शेड ब्लो अप. तो इसमें मेरे को फायदा क्या लगता है कि आपके पास 899 रुपीज में मिनी है, आई गेस 2 ml ईच है, बट आपको इतने सारे शेड्स मिल जाते हैं. अगर आप लार्ज साइज लोगे तो आपको 395 में सिर्फ एक शेड मिलेगा, उससे अच्छा आप ये वाला ले लो. लुक एट दी शेड, इट इज सो नाइस. एंड यार इनकी एक चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताती हूँ, लिप ग्लॉसेस बहुत जल्दी हट जाते हैं एंड ये लिप ग्लॉसेस है, बट इसका टिंट इतनी देर तक रहता है ना, इवन दो आपकी शाइन हट जाएगी, कुछ खाओगे उसके बाद ग्लॉस हट जाएगा, लेकिन जो टिंट है ना आपका ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल बेयर लिप्स हो गए हैं, टिंट रहेगा इसका. सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग अबाउट दिस. ओके जूडियो से मैंने एक और चीज़ ली थी, ऐसे ना रैंडमली बीच बीच में याद आ रहा है. तो जूडियो से मैंने ये शूज़ लिए थे, दीज आर ओनली फॉर रुपीज़,
399 एंड ये मुझे इतने अच्छे लगे, इवन दो ये पूरे ना रबर के बने हुए हैं। सी ये पूरा रबर है एंड यहाँ पर कोई भी कट या जॉइंट नहीं है, ये पूरा एक ही सिंगल पीस में बना हुआ है, यहाँ पर कोई स्टिचिंग नहीं है, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। बट ये इतने सुंदर लगे थे मुझे एंड दीज आर सुपर कंफर्टेबल, ये इतने सॉफ्ट एंड स्क्विशी से हैं एंड इनका बेस भी काफ़ी अच्छी हाइट दे देगा आपको, तो ये शूज़ भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, आई गेस ब्लैक था ये था, बट मुझे ये बेज कलर काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने जूडियो से ये भी ले लिए। फिर मैंने मीशो से ये सेट ऑफ 9 रिंग्स मंगवाया था एंड दीज आर सो प्रिटी। मैं यहाँ पर एक क्लिप अटैच कर दूंगी जिसमें आपको सारी रिंग्स दिख जाएगी बिकॉज मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रील डाल चुकी हूँ। तो ये जूल्स गैलेक्सी के हैं, जूल्स गैलेक्सी की ज्वेलरीज बहुत प्यारी प्यारी होती है, तो मैं यहाँ एक क्लिप डाल दूंगी जिसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा कि क्या क्या रिंग्स है इसमें। एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल थी, आई गेस मुझे 150 रुपीज कुछ की पड़ी, कुछ सुपर कॉइन्स थे मेरे पास एंड मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी तो उससे काफ़ी डिस्काउंट हो जाता है। ओके तो अब सिर्फ कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो इस बार मैंने नायका से 5 नेल पेंट्स मंगाई थी। अभी जो पिंक लव फ्राइडे सेल चल रही थी, पिंक लव सेल, आई डोंट नो कौन सी सेल थी, तो मैंने 5 नेल पेंट्स मंगाई हैं एंड लेट मी शो यू। तो इनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैंने इस बार लव चाइल्ड का ये शेड मंगाया 22 सांवली एंड ये शेड मुझे इतना अच्छा लगा, दिस इज़ दी परफेक्ट न्यूड यू शुड हैव इन योर वैनिटी। अगर आप ऑफिस गोइंग है, इवन आप कॉलेज गर्ल भी हैं तो आपके पास ये शेड होना ही चाहिए। देन दिस इज दी शेड फ्लोरल ड्रीम फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड मैं जेन्युइनली बताऊँ ये ना मेरा आई गेस 5th या 6th परचेज है इस शेड का, बिकॉज ये शेड मुझे इतना वर्सटाइल लगता है कि आप कभी भी पहन लो, किसी भी चीज़ के साथ पहन लो, ये हमेशा ही अच्छा लगेगा। एंड 3 और शेड्स थे, सॉरी नहीं 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 मैंने 5 शेड नहीं मंगाए थे, मैंने 4 चीज़ें मंगाई थी जिसमें से 3 नेल पेंट्स थी एंड एक आईलाइनर था। तो ये है ब्लैक, नॉर्मल बेसिक ब्लैक, दिस इज इन द शेड ब्लैक फ्राइडे, तो मेरी ब्लैक नेल पेंट खत्म हो गई थी एंड एवरी गर्ल शुड हैव अ ब्लैक नेल पेंट इन हर वैनिटी। एंड देन दिस इज द लैक्मे का ब्लैक आईलाइनर, इंस्टा आईलाइनर, वाटर रेसिस्टेंट, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और मुझे वाटरप्रूफ मस्कारा उतने पसंद नहीं होते फॉर डेली यूज बिकॉज उतारना बहुत मुश्किल है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ इसका या फिर ब्लू हेवन का जो वाटर रेसिस्टेंट होते हैं नॉट वाटरप्रूफ, तो मेरे को यही ज्यादा अच्छे लगते हैं। दिस वाज फॉर जस्ट ₹90 आई गेस, मुझे सेल में तो 90 का ही पड़ा था बट वैसे इस पे प्रिंटेड प्राइस इज ₹150, तो यू कैन आल्सो ट्राई दिस अगर आपको भी वाटरप्रूफ से ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट मस्कारा अच्छे लगते हैं। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिर्फ 2-3 चीजें बाकी हैं। तो एक है ये, अभी जस्ट 2 पार्सल्स रिसीव हुए हैं मुझे मिंत्रा से, तो हम ये भी खोल के देखते हैं। आई एम नॉट श्योर इनमें क्या है, मतलब मुझे खुद भी याद नहीं है, तो अभी देखते हैं, बहुत काम आ रहे हैं मेरे ये कटर। ओके तो इसमें है, ओके इसमें मेबलिन का मस्कारा है, मुझे मस्कारा तो इतने ज़्यादा पसंद है ना, मतलब मैं लिटरली आई कैन गो विदाउट ईटिंग बट आई कैन नॉट गो आउट विदाउट अ मस्कारा, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है मस्कारा। ओके तो ये मेबलिन का है हाइपर कर्ल मस्कारा एंड ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ एक बार एंड आई लाइक दिस वन बिकॉज ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है एंड इट वॉशिज ऑफ ईजिली, तो दिस इज़ हाउ दी वॉन्ड लुक्स एंड इतनी अच्छी आई लैशेज हो जाती हैं और प्रॉपर कर्ल्ड आई लैशेज एंड आई लव देम, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके एंड नेक्स्ट आइटम जो अभी आया था मिंत्रा से विच इज़ दिस बॉक्स, तो ये भी देखते हैं क्या है। ओके तो ये है लैक्मे की लिप मूस, तो मैं इसको खोल के देखती हूँ। वाओ आई लव हाउ प्रीमियम दी पैकेजिंग लुक्स, इतनी ज़्यादा सुंदर इसकी पैकेजिंग है एंड दिस इज इन दी शेड चॉकलेट टेम्पटेशन एंड एक बार हम शेड ट्राई करते हैं इसका। वाओ यार ये कितनी प्रिटी लग रही है, मतलब मुझे मन नहीं कर रहा इसको ज्वाइन करने का, बट लेट मी शो यू द शेड। यार ये इतना प्रिटी शेड है एंड इसका टेक्सचर, ओ माई गॉड इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब मुझे अप्लाई करते ही फील हो गया कि कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। एंड ये वो वाली लिपस्टिक्स हैं जो अगर मैट भी है ना तो आपके लिप्स के ऐसे ड्राई और चैपी नहीं कर देती हैं, दिस स्टे ऑन योर लिप्स बट बिल्कुल भी चैपी नहीं करेंगी आपकी लिप्स को, तो मुझे ऐसे वाली लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक अमेजोन से भी मंगाया था मैंने एक मस्कारा विच इज़ माई टू गो मस्कारा, मैं इसकी एप्लीकेशन की रील साइड में लगा दूंगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है इंस्टाग्राम पे एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, ये भी आई कीप ऑन बाइंग दिस मस्कारा एंड दिस इज़ द मार्स फैबुलश मस्कारा, ये इतना अच्छा मस्कारा है एंड मैंने अभी भी ना यही मस्कारा लगाया हुआ एंड मैंने कोई कर्लिंग या कुछ नहीं की एंड लुक एट माई लैशेज़,
ये इतना ज़्यादा फॉल्स लैश इफेक्ट दे देता है आपकी लैशेस को जस्ट इन वन स्ट्रोक. तो आपको लिटरली कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड आई लव हाउ द वॉन्ड इज़, लुक एट दी वॉन्ड, मतलब बहुत अच्छी लैशेज देता है. एंड आप अपनी नीचे की लैशेज पे भी इसे यूज कर सकते हो एंड ऊपर की लैशेज पे भी, एंड यू विल डेफिनेटली लव दिस वन. तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ओके, तो हमारे बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं एक्सेप्ट टू क्लोदिंग आइटम्स. तो मैंने क्लोदिंग आइटम्स ज़्यादा नहीं लिए हैं, सॉरी तीन क्लोदिंग आइटम्स लिए हैं. तो मैंने स्टूडियो वेस्ट साइड से ये एक टॉप लिया था एंड दिस वॉज ओनली फॉर रुपीज 299. इसका कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा. ये आई थिंक कौन सा कलर बोलेंगे इसको, पिंक, पता नहीं कौन सा कलर बोलेंगे. तो ये वाली टी शर्ट मैंने ली और मुझे पोलो टी शर्ट्स ना अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, तो मैंने ये वाली पोलो टी शर्ट ले ली. एंड आई एम लविंग दी मटेरियल. ये समर्स में इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी स्ट्रेची है ये ना, समर्स में मेरी टू गो टी शर्ट होगी. कुछ नहीं समझ आया तो मैं यही पहन लूंगी बिकॉज इट इज सो स्ट्रेची, सो कम्फर्टेबल एंड आई लव दिस मॉन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो मैंने जूडियो से ना अपनी मम्मा के लिए, अपने लिए नहीं, एक नाइट सूट सेट लिया था. तो मैं दिखाती हूँ, उसमें ये टी शर्ट है. दिस इज हाउ द टी शर्ट लुक्स. इतनी क्यूट सी टी शर्ट है इसकी एंड दिस वॉज 4 rupees. इस पर प्रिंटेड प्राइस तो है 299, बट जब मैंने लिया था तब सेल चल रही थी तो आई गेस 199 या कुछ का था. तो ये इतनी प्यारी सी फ्लोरल सी टी शर्ट है. दिस इज डार्क ग्रे इन कलर. एंड फिर इसके ही सेम मैचिंग के मैंने पजामा लिए थे. यू कैन ऑल्सो मिक्स एंड मैच इन जूडियो, मतलब आप कोई और शेड भी ले सकते हो. और मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ लेट के, बट कम्फर्टेबल लग रहा है. तो ये जूडियो में आप, मतलब बहुत सारे वेरियंट्स अवेलेबल होते हैं. टी शर्ट्स अलग होती हैं एंड पजामाज अलग हो सकते हैं. तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, किसी का पजामा ले लिया, किसी की टी शर्ट ले ली एंड सो एंड सो. तो ये पजामा, इस पर 399 प्रिंटेड है. इसमें कोई पॉकेट्स नहीं है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. तो इसमें कोई पॉकेट्स नहीं है, बट दिस वॉज फॉर जस्ट रुपीज 399 लिखा रहा है, आई गेस 100 ही ऑफ था. तो ये 299 कुछ की थी. एंड इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है एंड इट इज़ सो स्ट्रेची. इट हैज़ इलास्टिकेटेड वेस्ट एंड इसकी लेंथ थोड़ी सी ऊपर है. दीज आर नॉट एग्जैक्टली फुल लेंथ पजामाज, बट दीज आर काइंड ऑफ 3/4 इतना सा ऊपर होता है लेग से. तो आई थिंक गर्मियों में काफ़ी सही रहेगा, ये काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा. एंड लास्ट क्लोथिंग पीस विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, वो है ये. तो ये मैंने ली थी जूडियो से ही. ये ड्रेस है, इसकी क्लिप्स ना मैं साइड में लगा दूंगी. मैंने ये एक ट्रिप पे पहनी थी एंड दिस वॉज सो प्रिटी, सो प्रिटी. इतनी अच्छी लग रही थी. मैंने विंटर्स में पहनी थी, इसके नीचे फ्लीस लेगिंग्स पहन के, एंड इतनी कंफर्टेबल थी, इतनी कंफर्टेबल थी, मतलब मैं क्या बताऊँ. इसमें इतनी फ्रिल है, पॉकेट्स है, सब कुछ है. तो मैं आपको, ये बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप ऐसे तो देख नहीं पाओगे, मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ. इसमें इलास्टिकेटेड वेस्ट है एंड इट हैज़ दिस हॉल्टर काइंड ऑफ नेक, जिसको आप ऐसे भी पहन सकते हो एंड ऑफ शोल्डर करके भी पहन सकते हो. तो मैंने कुछ टाइम ऐसे पहन के रखा था, कुछ टाइम ऐसे पहन के रखा था, तो दोनों स्टाइल्स भी कवर हो गए एंड मुझे ठंडी भी नहीं लगी. तो दिस इज अ फुल लेंथ ड्रेस एंड इसमें ना ये छेद छेद वाला मटेरियल है एंड इट इज सुपर 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 फिल्ड, बहुत ज्यादा फिल्ड है. तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. एंड ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, इसका प्राइस टैग हटा दिया बिकॉज मैंने पहनी थी, तो आई थिंक दिस वॉज 1000 अबव. तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी थी, सेल में ये 1000 अबव थी एंड उसके अलावा तो इसका प्राइस कुछ 2500 और सो था. बट आई लाइक दिस वन सो आई गॉट इट. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. एंड आई डोंट थिंक मुझे ये वीडियो एक पार्ट में पोस्ट करनी चाहिए क्योंकि यार आप लोग पूरी नहीं देखते हो, बट स्टिल थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, तो एक ही पार्ट में पोस्ट कर दी, बट प्लीज देख लेना पूरी. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू डू, प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आई एम सो हैप्पी विद दैट. यू गाइस, आप लोगों की वजह से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं एंड आई वॉज सो हैप्पी. जब 999 हुए ना, आई वॉज वेटिंग कि अभी हो जाए, तो मैं देखती रही थोड़ी देर, बट तब नहीं हुआ. एंड जैसे ही मैंने फोन रख दिया, मैंने आधे घंटे बाद देखा और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए एंड आई वॉज सो हैप्पी. आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.